नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट किया है नेहा जी ने और इन्होंने बताया है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में बाकी सरकारी नौकरियों से कंपटीशन कम होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके मैं आपको कई कारण बताऊँगा। वैसे तो दोस्तों, कई लोग हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार की नौकरियों की तैयारी करते हैं, वो एसएससी का नाम सुन के ही जो है कहते हैं हमें फॉर्म नहीं डालना क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके का होता है। मगर दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट जो हैं वो कुछ अलग ही होती हैं। हर साल दोस्तों इसकी वैकेंसी लगभग अब आती ही है, तो इसमें किस तरीके की वैकेंसी होती हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आती है वो एक ही एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उसमें 10th लेवल की, 10+2 लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है, तीनों लेवल की वैकेंसी होती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक रोचक बात और बताता हूँ। अगर आप एसएससी से एमटीएस बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चपरासी बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे राइटिंग करने पड़ती है। एक आपको जो है एक रिटन पेपर होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद जो है एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होगा, 10+2 में भी होता है और ग्रेजुएट लेवल में तो होता ही है। मगर दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में अभी तक ये वाला एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, चाहे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो या ग्रेजुएट लेवल का हो। अब दोस्तों, बात यह है कि इसके अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है वो ये मान लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर वेटेज मिला हुआ है। CGL लोग इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि हो सकता है उनका या तो मैथ कमज़ोर हो या फिर हो सकता है कि इंग्लिश कमज़ोर हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी नहीं है तो CGL तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि मेंस के अंदर 200 नंबर का मैथ आती है, 200 नंबर की, और 200 नंबर की इंग्लिश आती है। मगर यदि मान लीजिए कि आपकी ये चीज़ें एवरेज हैं और GK से आप कवर कर लेते हैं और रीजनिंग से कवर कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, इसके अंदर रीजनिंग आएगी, GK आएगी और मैथ और इंग्लिश, ये चार टॉपिक हैं, चारों को बराबर वेटेज मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी थोड़ी बहुत मैथ कमज़ोर है, आपने GS से कवर कर लिया, इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी बहुत, तो आपने रीजनिंग से कवर कर लिया, ओवरऑल मिला के आपने जो है कट ऑफ क्लियर कर ली। तो दोस्तों, इसमें कौन से विभाग आते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों ज़्यादातर वो विभाग आते हैं जिनका कैडर छोटा होता है, इसीलिए इसमें वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती हैं, मगर स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के साथ होती हैं। स्पेशल क्वालिफ़िकेशन का क्या मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपने BCom किया, BCom करने के बाद ऐसी कितनी वैकेंसियों के बारे में आप जानते हैं जिसके अंदर की जो है ग्रेजुएशन BCom में मांगा जाता है, या आपने मास्टर्स कर रखा है, MCom कर रखा है, MSc मैथ कर रखा है। तो दोस्तों, ये जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली जो वैकेंसी आती हैं वो आती हैं आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन तो होगी ही, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, वो स्पेशल स्ट्रीम से किया होगा, या हो सकता है कोई अलग से आपने डिप्लोमा किया हो। और इसमें दोस्तों अलग से टाइपिंग वाली भी पोस्ट आती हैं, और कईयों में तो एक्सपीरियंस भी होता है। नए अभ्यर्थियों के पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता दोस्तों, मगर हाँ ये है कि आपके पास स्पेशल क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, और नहीं है तो कोई ना कोई करके रखनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो जैसे इकोनॉमिक्स है, अलग से आपने इकोनॉमिक्स में किया है तो, और हाँ कई अभ्यर्थी ये कहते हैं कि BTech वालों के लिए अलग से वैकेंसी नहीं आती। तो दोस्तों, जो ये सिलेक्शन पोस्ट है इसके अंदर आप देखेंगे कि BTech वालों के लिए, जो कंप्यूटर साइंस के हैं, IT वालों के लिए हैं, तो उनकी वैकेंसी भी यहाँ पर आती हैं। और इसलिए जो है ना, आपको भले ही आप SSC का कोई एग्ज़ाम ना देते हों, मगर जब भी SSC सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म आए तो इसे आपको ज़रूर देखना है। क्योंकि दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि इसमें भले ही वैकेंसी कम होंगी, हो सकता है कि कोई पद निकले जिसके अंदर 15 वैकेंसी हों,
या फिर 20 वैकेंसी हों, और ऐसे भी कुछ पद आते हैं जिसमें दो वैकेंसी होती हैं या एक वैकेंसी होती है, मगर दोस्तों क्योंकि एक से ही एक फॉर्म में ही सभी फिल हो जाता है, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपको हर फॉर्म के लिए अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, एक से ही जो है लगभग सारे हो जाते हैं, तो इसमें जो है आपको अप्लाई करना चाहिए जब भी आएगी। तो मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि भले ही आप SSC का कोई एग्ज़ाम ना दें मगर सिलेक्शन पोस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी रखें। एक थोड़ी सी इसके अंदर कमी है दोस्तों, कमी भी मैं आपको बता देता हूँ। कमी यह है कि सिलेक्शन पोस्ट की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि कैडर छोटा होता है इसलिए जो इनका प्रमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा होता है, है ना, क्योंकि जब ऊपर से कोई रिटायर होगा नहीं तो प्रमोशन होगा कहाँ से, तो इसलिए एक इसका ड्रॉबैक है। मगर इसके अंदर पॉजिटिव साइड ये है कि अगर मान लीजिए स्पेशल क्वालिफिकेशन लगी हुई है तो कितने अभ्यर्थी आपके कंपटीशन में आएंगे, मेन चीज़ यही है कि मान लीजिए अगर जहाँ पर भी साधारण स्नातक मांगा जाता है वहाँ पर लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं, मगर यदि कह दिया जाए कि ग्रेजुएशन मांगा गया है अर्थशास्त्र में, तो दोस्तों अर्थशास्त्र वाले कितने अभ्यर्थी मिलेंगे, तो यही चीज़ है इसके अंदर। तो सिलेक्शन पोस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो कि जनहित में है तो उसे मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारे जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो चल रही है इस समय पर रात को 11 बजे। यदि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो आप हमारी रात की जो मंडे टू सैटरडे लाइव क्विज है तो उसे भी अटेंड कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।